तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। बच्चा बस 3 एकड़ का खोपरे वाला, इस खोपरे तिजारती सोमनाथ से जिद करता है। कहाँ रे वो? उसे पकड़ लिया है मालिक। वो शहर को जिन गाड़ियों को ले गया था उन्हें लौटा लाए? वो आ रही है मालिक। ये गाड़ियों में जो नारियल है उन्हें पिछवाड़े उतार लो। अरे इन सारे गांव का बेस्ट विलन हूँ, 200 एकड़ के नारियल के बगीचे का ओनर हूँ। छोटे छोटे आसपास के सब बगीचे वाले नारियलों को मुझे बेचते हैं। मेरा ब्रोकर कमीशन बिना चुकाए तुम नारियल सीधा सिटी में बेचकर रुपए कमाओगे, तुमने सोचा होगा। खोपड़ा फोड़ दूंगा कमीने। तुम कितना भी डराओ, तुमको नहीं बेचेंगे। हमसे तुम जबरदस्ती खोपड़ा 1 रुपए में लेते हो, सिटी में 5 रुपए में बेचते हो। अरे उल्टी खोपड़ी, नारियलों को सिटी में ढोने वाली लारी किसकी है? मेरी। इंजन किसका है? मेरा। उसमें डीजल किसका है? मेरा। फिर यहाँ 1 रुपए में लेके वहाँ 5 रुपए में ना बेचा तो मुझे क्या बचेगा? खोपरे की मूंज? मूंज की रस्सी बना के हमको फांसी दोगे? कुछ भी सही, मैं अपना एक भी नारियल तुम्हें नहीं बेचूंगा। अरे इस मुझोर की अक्ल मोटी हो गई है? ऐसा है तो उसकी अक्ल का मोटापा कम कर दो मालिक। तो फिर देरी काहे को, शुरू हो जाना पहली मार इसके घुटनों से। और चिल्ला बे, मां नहीं बेचूंगा, बेचूंगा तुम्हें, बेचूंगा कह, समझा? मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। ये नहीं मानेगा रे, इस पे बहुत चर्बी चढ़ गई है, पिघला दे, टोक पे मार। अरे रे, खुद दुखी होके मुझे भी दुख देता है बे। मूंज वाली रस्सी टूट जाए इतना मत खींच। बेचूंगा नहीं बेचूंगा 2 शब्दों में मुझे बोल दे बस। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं बेचूंगा, यही ना? तू मेरी बात यूं नहीं मानेगा। अरे बड़ा सा खोपरा इसके मुंह पे मार, मुंह को पीस पीस के चटनी बना दे, बोलती बंद हो जाएगी। मेरे बाप तेरी तो खोपरा की जाती सोमनाथ। रामू तुम? मैं ही हूं रे, गुंडों के हाथों तो खोपरों से इन गरीबों को पिटवा रहा है। ए, मैं यहाँ का माना हुआ बेस्ट विलेन हूं रे।
एक तो यहाँ तू घुस आया, फिर यहाँ आकर दादागिरी भी कर दी शुरू, तो क्यों अपनी हड्डियों को तोड़वाता है? चला जा। ए, मेरे सामने तो है क्या मामली चुहा? तू कुछ भी बोल, लेकिन मैं तुझको बोले देता हूँ, तू अब भी समझ जा बेईमान बहन। अब से तूने गांव वालों को कोई दुख दिया तो तेरी जान लेकर तेरी लाश को यहाँ फेंक दूंगा। वो इस बगीचे में पड़ी रहेगी गिद्धों के वास्ते, और जो हड्डियां बचेंगी उन्हें कुत्तों को डाल दूंगा। अबे जा, ठट्ठा करना सुझाए क्या? खोपरे के माफिक खील दूं क्या तुझे? इस बगीचे के अंदर बचपन से खोपरों का लट्टू घुमा रहा हूँ। ऐसा कहा, जो एक बार मेरे बगीचे में घुसा फिर वो चल के वापिस नहीं जाता। ए, लगा रहे पैर की मार। टूट गई टांग, बेचारा चल नहीं पाएगा। ए, इसके पेट में से पूरी हथेली बाहर निकाल, मार पेट में मार। पेट की अंतड़ी बदन की हड्डी भी टूट गई, देखो। नहीं तो नारियल के माफिक इसका खोपड़ा भी फूट जाएगा। यहाँ का माना हुआ बेस्ट विलन है ना तू, आज से लास्ट विलन की पदवी मिलेगी। सुन, तुझसे खौफ खा के अब कोई एक भी खोपड़ा तुझे नहीं बेचेगा। आज से सही दामों पे लेने के लिए सिटी से लोगों को मैंने घाट पर बुलवाया है। ए, चलो। तो ऐसी की ऐसी, अरे ठहरो रे, नारियल उठा ले जा रहे हो। अरे अब तो आस पास के सारे गांव में तुम लोग नारियल उठा कर ले जा रहे हो, गाड़ियों में ले जा रहे हो। अरे 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 भाई, अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे राजा लोग, अरे तुम मेरे पूरी दौलत ले गए रे। पूरी? तुम्हारे पास खोपरे की मूंजी बची, एक भी फल नहीं। चुप कर रे, तेरी इंग्लिश भाषा और तू। आखिर में रद्दी चीजें बच गई, धर्मराज अंकल उषा को नहीं दे रहा मुझको, थप्पड़ सा मारा मेरे मुंह पे और सब कुछ लूट कर रामू कमीने ने मूंज दे दी हाथ में तुमको। उन्हें देख लूंगा रे, उस धर्मा और राम के बीच में तगड़ी खुंडी फंसाऊंगा। वो धर्मा खुद पंचायत बुला के रामू साले को हथकड़ी ना पहनाए तो तेरी कसम है, मैं यहाँ का माना हुआ बेस्ट विलेन नहीं हूँ रे। ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम बेस्ट विलेन नहीं रहोगे, वर्स्ट विलेन, फिजूल के विलेन होगे। लो बोलो माँ जी, अपने रामू ने नारियल से सोमनाथ के गुंडों की वो पिटाई की, उनके थोपड़े गोबर के उपलों के माफिक हो गए। वो हमारे रामू की चटनी बनाने वाला था, लेकिन सोमनाथ गोले वाली चटनी जैसा खुद हो गया। बस चुप रहो, तूफान में समुद्र पार किया ऐसे खुश हो रहे हो? अरे वो सोमनाथ बहुत जालिम है। तभी आज उस जुल्मी को मैंने समझा दिया है। तो इसके बाद वो चुप बैठेगा क्या? वो चाहे कुछ न करे मैं नहीं छोड़ूंगा। काहे को आग में कूदना रामू, तुझे जरा सी चोट लगी तो सह ना पाऊंगी रे, वो सोमनाथ फिर से तुझे जरूर कोई चोट देने वाला है। क्यों, मैं उसे चोट नहीं दे सकता? ये बात अब काहे को, भूख लगी मुझे खाना दो, खाना दो। कुयो विलेज की अनारकली रसीली करारी जलेबी। बोलो ये क्या है? ये मेरे भूखे की कहानी है। मैंने अपने खोपरे के बाग में उगाए इन्हें दरदरे जाफरानी फूल, इसे अपनी चोली में छुपा ले मेरे दिल वाली धड़कन, तेरे दिल वाली धड़कन सुनेंगे इनमें। इसे कान में फंसा ले तू अपने, मुझे कपलिंग में धड़ धड़ फूल ला दे। कपलिंग में धड़कन फूल, ये किधर मिलता है? इधर ही कहीं पे मिलता है, जाके देखो। आ देखता है। रामू, अरे ऐसा आती क्यों आई तू? तू नहीं जानता, ये तफ वाली आवाज दिल में मेरे फौरन लव शुरू कर देती है। रस्ते तड़प उठती है तभी दौड़ती हुई आई हूँ, उस मक्खी मूछ वाले भोलू ने रास्ता रोका मेरा। अरे उस भोलू को मैं एक दिन इस ढपली की तरह तड़ा तड़ बजा डालूंगा। तू आ, बताता हूँ। प्यारे रामू, मैं जहाँ जाती हूँ भोलू वहीं गिद्ध की तरह उड़ के पहुँच जाता है। तू फिक्र मत कर, मैं कोई शुभ दिन ढूंढ के तेरे पिता से बात करके फौरन मंगल सूत्र पहना दूंगा तुझको, उसके बाद ताक धिना दिन, ताक धिना दिन। इंसान के माफिक ढूंढा, कुत्ते की माफिक ढूंढा, क्या मांगूं? क्या ढूंढ रहे हो? कपलिंग में धड़कन फूल। क्या कपलिंग धड़ धड़ फूल? फूल फूल ब्लडी फूल। देख बुरा भोलू, समझ गए ना, मजा चखाएंगे उसे। उषा, तुमने कहा था ना कपली में धड़ धड़ का फूल, पूरा गांव छान मारा, नहीं मिला। अरे पागल नालायक,
कपलिंग में धड़धड़ फूल नीचे नहीं ऊपर होता है, वो देखो। तुझसे कहा रामू ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठहरो, कहाँ चले? उषा ने मुझसे मंगाया कपलिंग में धड़धड़ फूल, मैं निकालूंगा। सुनो, तुम ऊपर नहीं चलोगे, ये पेड़ मेरा है, मैं चलूंगा। तुम चाहोगे, तुम चाहोगे, ठीक है, चलो जाओ। यार नहीं है कपलिंग में धड़धड़ फूल। उल्लू, गधे, खोपरे, तिजारती, सोमनाथ के कपूत, असल में कपलिंग धड़धड़ फूल ये है। अरे रे 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 रे। तेरे प्यार का हुआ हूँ मैं दीवाना, गोरी धूप है तेरा मस्ताना, मेरे दिल का तू ही तो चले जाना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। जिंदगी भी है तेरी, बंदगी भी है तेरी, तेरे प्यार का हुआ हूँ मैं दीवाना, तेरी धूप है तेरा मस्ताना, मेरे दिल का तू ही तो चले जाना, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। धक दिल धड़का तुझे देखा तो जाने जा, धीरे 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 तूने लूटा दिल मेरा तो जाने जा। तेरे प्यार में मुझे जीना ओ सजना, तेरे प्यार में मुझे मरना। तूने मुझे चाहा तो मेरे जाने जा, मुझको तू ना दर्शाना, तेरे प्यार का हुआ हूँ मैं दीवाना, तेरी रूप है तेरा मस्ताना, मेरे दिल का तू ही तो जाने जाना, तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। तेरे प्यार का हुआ हूँ मैं दीवाना, तेरी रूप है तेरा मस्ताना।
ये अच्छा हुआ सरकार, आपके निर्णय की वजह से बिना कलह झगड़े के हमें हमारे खेत जमीन मिल गए। सबको समान न्याय दिलाने वाले आप जैसे धर्मात्मा की वजह से ये गांव हरा भरा हो गया है। हमें आगे चलिए बाबूजी। होने वाले ससुर जी, होने वाले ससुर जी, मैं आ गया। क्यों शोर मचा रहा है? ये शोर नहीं, गांव की हर सुंदर छोरी का बाप मेरा ससुर है। गांव में हर एक को न्याय दिलवाते हो, धर्म बताते हो, अपनी छोकरी के प्रेमी यानी कि मुझे न्याय दिलवाइए ना होने वाले ससुर जी। मुंह बंद कर। इस गांव में तेरा और तेरे उस बाप का जो आज गंदा नाम और घिनौनी प्रतिष्ठा है सबको मालूम है। अपनी बेटी की तुझसे शादी करने के बजाय गला घोट दूंगा उसका मैं। वो तुम ना घोटो, तुम कान काटो, तुम नाक काटो, फिर वो सुपर नखा जैसी हो जाएगी, फिर मैं कर लूंगा शादी। फिर बोला तो तुझे और तेरे बाप को पंचायत में बुलाकर काट दूंगा, बदमाश। मिस्टर धर्मराज ससुर, आई एम सन ऑफ खोबरा तिजारती सोमनाथ, आसपास में बेस्ट वेन खोबरा तिजारती सोमनाथ, शोले अमजद खान अमरीशपुरी मिक्सिंग खोबरा तिजारती सोमनाथ। और रामू साला कहां है मालूम करके? अंधेरा होने के बाद उषा ने मंदिर के नजीक बुलाया, बोल उसे। इसके बाद उसकी खाल उतार के उस खाल से मैं अपनी जूतियां बनवाऊंगा। रामू कह रहे, धर्मराज की बेटी उषा है ना, हाँ। उसने तुझको अंधेरा हाँ। होने के बाद मंदिर के पास बुलाया है। ठीक है तू जा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे बुला के उषा खुद गायब है। क्यों रामू, मंदिर बंद होने के बाद आए हो, क्या बात है? कुछ नहीं पुजारी जी, टाइम गुजारने आ गया। ठीक है मैं चलता। इस मंदिर से भगवान के जेवर चोरी हुए हैं, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मौके पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस राम जी के मंदिर वाले गहनों को इस रामू ने चुराया है, पंचायत के पास अभियोग आया है। इसका जवाब या राम जी देंगे हमें या रामू देगा हमें। क्यों रामू, ईश्वर के जेवर तुमने चुराए हैं, बोलो। ईश्वर ही जानता है। ये क्या बात हुई, चुराने वाली बात टाल रहा है? मैंने लिए, जानते हो तुम क्या जो थे वहाँ उन्होंने बोला। सुनो पुजारी जी, कल वहाँ पे क्या हुआ था? तुम ईश्वर की सेवा करते हो, झूठ नहीं बोलना, इस पब्लिक को सब बता दो। ताला बंद करके मंदिर से मैं निकला, ये रामू वहाँ अंधेरे में घूमता हुआ दिखाई दिया मुझको। काहे को आयो मैंने इससे पूछा, जवाब दिया बिना भाग गया वहाँ से। रामू तुम अंधेरे में गए थे वहाँ पर? हे रामू जवाब दो हमको। समझ में नहीं आ रहा जवाब कैसे दूं। यानी तुम मंदिर के आसपास नहीं गए? मैं गया था लेकिन चोरी के लिए नहीं गया था वहां पर। जोजे, इस केस को रबर के माफिक कितनी देर और खींचना है जी? ईश्वर के सारे जेवर चोरी हो गए हैं, इससे बढ़कर गवाह हमें क्या चाहिए? सुनिए, गांव में बच्चे अगर कोई भूल करे इसके जिम्मेदार माँ और बाप होते हैं, यही हमारी पंचायत का विश्वास है। ऐसी भूल करने वाले लड़के को उसके माँ बाप को उसे 50 कोड़े मारने चाहिए, यही फैसला है ना आपका? तो इसकी भूल के वास्ते बुलवाओ उसकी माँ को, बोलो 50 कोड़े मारे इसे, चमड़ी उधेड़ दे चोर की। पार्वती देवी। सरकार, मेरी बेटी ने ये चोरी की है, आपको विश्वास है? इन हाथों से खाना खिलाया है मैंने, लेकिन झूठ और चोरी कभी नहीं सिखाई। क्यों जी, इस पंचायत में ये नाटक किस लिए? देखो धर्मा, तुम बोल सको तो इसकी माँ से बोलो बेटे को मारे, नहीं तो पंचायत बंद करो। देखो पार्वती देवी, जेवरों को कहाँ रखा है रामू ने, तुम ही पूछो। काहे को मंदिर के पास क्या पूछो? सुनो पार्वती देवी, माँ के नाते जितना तुम्हें दुख हो रहा होगा, वैसे निरपराधी को मार खाते देख के मुझको भी बहुत दुख पहुँचेगा। लेकिन रामू ईमानदारी का सबूत ना जुटा पाया तो सजा देनी ही होगी, मजबूर हूँ। हे भगवान। रामू क्यों जिद पे अड़े हो? किए गए जुर्म को मान के सारे गहनों को पंचायत के हवाले करो, कल सुबह तक का तुमको वक्त देता हूँ। कल सुबह तक
ठीक है, मैं पंचायत के प्रमुख के फैसले के लिए हाँ बोलता हूँ। कल सुबह ही ईश्वर के जेवरों को लाके ये इनको न सौंपे तो हमको पुलिस को फोन करके बुलवाना है और वो लोग इसे सलाखों के पीछे डालेंगे। हे ईश्वर, थोड़ी दया करो मुझे पर, भक्त रामदास की तरह भजन गाएगा वहाँ। भजन कौन गाने वाला है कल सुबह मालूम होगा। राम जी वाले जेवर को किसने छुड़ाया ये बात राम जी को मालूम है, उनके साथ रहने वाले राम भक्त श्री हनुमान को मालूम है। कल वो ही राम भक्त हनुमान भक्त को आकर बचाने वाले हैं, वीर हनुमान उस पर पिल पड़ने वाले हैं। अरे क्या पिलने वाले हैं, वो मिट्टी के माधव आंखें मूंदे बिना पैर के ऐसे ही बैठे हैं वो। अरे सुनो, कल ये राम जी का भक्त हनुमान आके ढिंढोरा पीटेगा कि यही है यही है अपने रामचंद्र जी, ऐसे बहुतों को देखा है। चलो बेटा रामू, रात भर यहीं पे सोके श्री हनुमान की मूर्ति को खोपरों की तरह बोरों में भर के ले जाने की तुम प्लानिंग कर रहे हो, क्यों ऐसे खामोश क्यों हो? अरे हनुमान जी सरकारी बस में आके सब जनता से कहेंगे कि सुनो ये बच्चा मेरा भक्त रामू बहुत प्यारा छोकरा है। गांव को चिल्ला के बोलेंगे कहा था तूने, नहीं आया क्या, बस लेट है। भक्त हनुमान भक्तों को जरूर संभालेंगे कहा था तूने, तेरे हनुमान पीट पीट के दंड देने वाले हैं कहा था तूने, उन्हें बुला बुला तू बुला तू बुला तू। जय जय महाकाय, जय जय महावीर, जय जय अमर शूर, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। जय जय पवन पुत्र, जय वज्र समवीर, जय मेर समधीर, तुझको पुकारे सेवक तुम्हारे, श्री राम के काज तुमने सवारे, सीता की सुध बुध भिलाए, लक्ष्मण का जीवन भी तुमने बचाया। अभय प्रदाता, भविष्य विधाता, हे दिव्य तम रूप, हे महासंपूर्ण, तुम ही तो स्वरूप, भक्तों की वखलाज, दर्शन दे तू आज, पापी से हमको बचाना, दुष्टों को दे दंड, नीचों का कर नाश, पूरी करो नाथ भक्तों की ये आस, मुझको भी दर्शन दे आजा। मी नाथ कीर्ति तुम्हारी है, तेरे चरणों में रक्षा हमारी है, सुनाज बजरंग दुख मेरा कर दूर, हम तेरे सेवक हैं, तो आज संकट में तो जा प्रकट, आज संशय मिटा दे असुर संहारा, पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि मां, भर लो प्रभु आज संकट हमारा, संकट हमारा। धर्मराज जी बचाइए। पुजारी जी हुआ क्या, ये पोटली कैसे? अरे इसमें तो गहने हैं मालिक, ईश्वर के गहने हैं। मुझे बचाइए, क्षमा कीजिए बाबूजी। यानी आपने ये गहने इस लोभी शंकर सोमनाथ की बातों में आके हमने जेवर चुराए हो। इसका जुम रामू पे लगा दिया। ए, ये क्या भोगते हो, जबान में छेद हो जाएगा। तूने मंदिर को ही छेद डाला, लोगों की जुबान छेदना बड़ी बात नहीं। मालिक धर्मराज जी सच बोलता हूँ, अगर झूठ बोलूँ तो अपने बच्चों का मरा मुंह देखूँ। अब ये ढोंग छोड़ दू, दुनिया में बड़े बड़े ढोंगी देखे मैंने, इन बहकावों में आके तुझे छोड़ने वाला नहीं। क्या छोड़ने वाले नहीं, तुम क्या यहाँ के भगवान हो? तुम चुप रहो। पुजारी जी क्या हुआ बताइए। अजी क्या नहीं हुआ, मेरे इस महापाप के लिए श्री अंजनी पुत्र ने सपने में आकर खूब मारा मुझको। ये लो पुलिस आ गई। ये पुलिस वाले यहाँ जो आए हैं रामू के वास्ते नहीं, तेरे वास्ते आए। ए जलंधर चल। इंस्पेक्टर साहब फिर से ऐसे नीच काम ना करे, इसे ऐसी बुद्धि देना। रामू निरपराधी है जान के भी, पंचायत में उसे सजा मिलते हुए देख के बड़ा दुख हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर पाया मैं। मैं असहाय हो गया। वो श्री रामचंद्र प्रभु असहाय होने वाले थोड़ी है माँ जी, तभी तो उस राम ने इस राम को बचा लिया। लेकिन लाभ क्या हुआ बाबू साहब,
मेरे बेटे को थोड़ी ठोकर लग जाती थी, मैं तड़प उठती थी, लेकिन इन पापी हाथों ने उसे मार के नरक की यातना पहुंचाई। जो गाली ना दे और मारे ना, वो माँ कैसे होगी? मैं एक बात पूछूं तो सच बताएगा मुझे, उस रोज इतनी रात में मंदिर में क्यों गया? क्यों रे, तो कल इसी प्रश्न का पंचायत में जवाब ना देके मार क्यों खाई तूने मुझसे? सुन माँ, पंचायत में तेरे हाथ से मार ना खाता तो धर्मराज जी के गौरव को चोट पहुंचती। किसी ने आकर मुझे बोला उषा ने तुम्हें आज रात मंदिर के पास बुलाया है, उसे से मिलने गया था वहां। ये बात पंचायत को कैसे बोलूं मैं? मेरे पूज्य मेरे बुजुर्ग की चार लोगों में हंसी उड़वाऊं क्या? मेरे सच बोलने से धर्मराज जी के गौरव पर उषा के जीवन पर पड़ने वाले दाग से तेरे कोड़ों की मां ने मुझे ज्यादा दुख दिया क्या? जवाब दे मुझे मां। रामू कितना स्वच्छ मन है रे तेरा। उन दिनों सीता के शील को साबित करने के लिए सीता से अग्रिम प्रवेश करवाया राम जी ने, सीता पर लगा लांछन मिटा दिया उन्होंने, मेरे कुटुंब के गौरव को मेरी बेटे के भविष्य को मैला होने से बचाने के लिए सजा भी खुद भुगत के उस राम की तरह बहुत मान मिला है तुझे। ईश्वर तो तुझ जैसे भले लोगों के मन में वास करता है। पार्वती देवी, बिटिया के रामू के बारे में जो विचार है वो मुझको मालूम है, बेटे के मन में जो है वो तुमको मालूम है। ज्यादा देरी न किए बिना दोनों का अगर हम ब्याह कर दे तो? आपको ये कहना है क्या बाबूजी? ये सारी मेरी किस्मत है। धर्मराज जी का फैसला क्या फैसला है? सुनो डैडी खोबरा तिजारती सोमनाथ, तुम यहाँ हाथों को बांधे हुए आंखों को फाड़े हुए जेल में बैठे हो, वहाँ उषा का रामू से ब्याह होने वाला है, विलेज में मेरे प्रेस्टीज का क्या होगा? हाउ माय लाइफ ग्रीन लेबल रेड लेबल कॉफी टेस्टी टेल मी ऐसे। तो बिल्कुल मत घबरा, उस रामू साले का ब्याह नहीं होगा, उसका कर्मकांड करवाऊंगा। सिटी से लौटते वक्त रास्ते में मर्डर होगा, रामू दुष्ट के मौत का आलाप, उषा का विलाप मैं जेल में सुनूंगा। सरकार को जेल में भिजवाया है, अब तुझे ऊपर भेजूंगा। Thank you.
अब इस कमीने को ट्रेन में फेंक दो। डॉक्टर 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 hey, क्या है? घोड़े पे क्यों सवार है? आप मेरे को बोले थे ना आपके पास फौलादी छोकरा है, अच्छी सी कोई नौकरी ढूंढ उसके लिए। हाँ? नौकरी खिसे में, यहाँ से निकला नौकरी पे चढ़ा। काम की नौकरी है ना? अरे जवाब नहीं है साहब, हमारे स्टेट के मेजर साहब दिल्ली से पोते पोतियों समेत आ पहुँचे हैं। बच्चे संभालने के वास्ते अच्छा एक आदमी मांगता है उन्हें। वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए था कुछ। राजू को बच्चों से बड़ा लगाव है, तुम खुद देख लो। चलिए वो देखो, बच्चे घेरे हुए ना जिसे, वही राजू। अरे ये क्या, ये तो अपन से भी बड़ा जोकर लगता है। मिस्टर राजू प्लीज कम। नमस्ते डॉक्टर साहब। सुनो राजू, ये मेरे भरोसे वाला आदमी है। हेलो। बगल की एस्टेट में इसने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली। थैंक यू। तुम्हारा नाम? नाम तो ढोंडू राम है, लेकिन लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। ऐसा तो मुझे गुरु बोलो। गुरु भोंदू, ये अपन को जमा बाप। तो हम लोग चले? अरे कहाँ चले, ऐसा लोग तुमको देखा तो खलास हो जाएगा। हाँ। सुनो फ्रेंड, हाँ। बंदर का इस मास्क को हटा के उनको अपना प्यारा सा मुखड़ा तो दिखाओ, वो निकालना दोस्त। गुड मॉर्निंग सर। आहा आहा, श्री रामचंद्र जी का फेस है। श्री राम के फेस को हनुमान जी के मास्क के पीछे छुपाया तो कैसा होएगा? मेरे द्विचक्र वाहन पर बैठो और चलो। अभी तुम जिन बच्चों से मिलोगे, अरे बॉम्ब है वो बच्चे, जेट विमान है, बड़े ही उपद्रवी बच्चे हैं गुरु। बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोलते भोंदू, वो कोमल फूल होते हैं, प्रभु का रूप होते हैं। आहा, ठीक है भिड़ू। यही नहीं, भोले नादान मासूम देवता समान है। ओ बच्चों की कुल देवता, ओ बच्चों की कुल देवता, आज हम जो काम करने वाले हैं, आज हम जो काम करने वाले हैं, जैसे सोचा है वैसे ही होगा, जैसे सोचा है वैसे ही होगा, किसी बाधा के बिना होगा, किसी बाधा के बिना होगा, ऐसा कर सके आशीर्वाद तो ईश्वर, ऐसा कर सके आशीर्वाद तो ईश्वर। भोंदू, ये अचानक ड्रम क्यों लुढ़कते हुआ आ रहा है? अचानक नहीं आया भिड़ू, लुढ़काओगे तो आएगा। देख लो भिड़ू, हंसते हुए बच्चे, कोमल फूल, प्रभु का रूप। इडियट्स, इस रिटायर्ड मेजर के घर में डिसिप्लिन की छुट्टी नहीं होती, फौरन काम पूरा करो नहीं तो शूट कर दूंगा तुम्हें, जाओ। मेजर साहब इस तरफ देखो। कौन हो तुम, बोलो नहीं तो शूट कर दूंगा। ठहरिए सर ठहरिए, बंदूक चलाने को आता है बोल के लोगों की जान मत लेना सर। ओ भोंदू तुम हो क्या, कोई शत्रु सैनिक होगा सोचा मैंने। शत्रु सैनिक मिट्टी में सने हुए थोड़ी आते, आपके सर को बॉम्ब से फोड़ देते। ठीक है, बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए बेस्ट कमांडर लाऊंगा बोल के गए थे ना तुम, कौन है कहाँ है? ये यहाँ खड़ा है। कहाँ? वो रहा, आपको दिखा नहीं क्या? कौन ये क्या? हाँ हजूर, मिट्टी में पुतकर कुम्हार हो गया है, लेकिन खूब नहा धोकर कमांडर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था बताओ मुझे। करेक्ट बोलूं? करेक्ट करेक्ट। ये जो है ना, बोलो। इससे पूछा साइकिल पर चढ़ना तो आता है ना जी, बोला मुझे चलाना भी आता है जी। तुम वो कष्ट ना करो, बैठ जाओ, मैं चलाता हूँ कहा जी। मैं चढ़कर बैठ गया जी। ये शुरू हो गया जी, होते 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 बैलेंस खो के अनबैलेंस हो के मैं अनबैलेंस हुआ क्या? हुए तुम अनबैलेंस हुए, मेरा बैलेंस छूटा, कीचड़ फेंक दिया मुझको जी। मैंने तुम्हें कीचड़ में फेंका? अरे वो लोग ऐसे 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 गिरे हम दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, कोई भी गिराया पर गिरे ना तुम लोग, दोनों वाला लाइन में खड़े हो जाओ। क्यों सर, शूट करेंगे? धुलाई करूंगा। रंगा सरकार, वो पाइप देना। अरे अरे सर, मैं कपड़े नहीं लाए सर, क्या कर रहे हैं? अरे छुट्टी सर, देखिए मेरी सारी बात सुनिए सर। ठीक है मास्टर जी, खूब अच्छे से नहा के मेरे कपड़े पहन के डाइनिंग टेबल के पास आना, नाश्ता और बातें साथ में होंगी। नहीं नहीं सर, क्या कर रहे हैं? माय डियर ग्रैंड चिल्ड्रन, कायदे बिना घर मेजर बिना बैटालियन की तरह है। कबूल है। तुम्हें अनुशासन में रखने के लिए कमांडर जैसा होशियार लड़का ढूंढा है। वेरी गुड। AK-47 जैसे इस छोकरे को देखते ही मैंने ओके कर दिया। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। गुड गुड गुड। मेरा ड्रेस तुम्हें बिल्कुल फिट है।
सो तो है, एकदम फिट हो गया सर, लेकिन मैं इसके वास्ते फिट नहीं हूँ। जरा साइज ठीक किया, यही नहीं आपका सूट भी मुझे फिट होगा सर। हाँ। देखो भैया, इन बच्चों को कम मत समझो, इन्हें सही रास्ते पे ले आओ तुम। हल्ला मचाने में बंदरों को मात कर देते हैं। ओके 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 मिस्टर राजू, अब मेरी सारी संपत्ति ये बच्चे ही है। माई डियर चिल्ड्रन, अपने कमांडर को अपना परिचय दो तुम। नाम है डब्ल्यू। बहुत अच्छा है। माय नेम इज बंटी। गुड। नाम है बूटी। वेरी गुड। मेरा नाम बुच्ची है। क्या जी? बुच्ची। वेरी गुड। नाम है पुष्की। पुष्की, जैसे नाम है बहुत अच्छा है। नाम है नन्नी छोटी। कैसी छोटी? नन्नी छोटी। नन्नी छोटी, वेरी गुड। नाम है ढोंडू राम। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गवार हूँ, चाहा पर जमा नहीं, आइंदा भी ऐसे ही रहूंगा। तुमसे नहीं पूछा, मुंह बंद करो। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है संध्या। वेरी गुड। मेरा नाम राजू है, अब से तुम मुझको फ्रेंड ही समझना, मुझे फ्रेंड ही बुलाओ तुम। तुम्हें अनुशासन ही सिर्फ नहीं, साथ में कविता, मधुर गीत, बढ़िया बढ़िया स्टोरी, सारा कुछ सिखा दूंगा। ओके ओके। सुनो राजू, तुम इनको जो चाहो सिखाओ, अनुशासन तो सिखाना ही होगा। अब कल से तुम इनके मेजर बन के अनुशासन में लाओ इन सबको। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी डाल लो। सुनो भैया, तुम्हें इन बच्चों के लिए चिमटा लेना होगा, सांसी लेनी होगी, झाड़ू लेनी होगी, बेंट लेना होगा, नीम की संटी लेके सबको पीटना होगा। हाँ, ये दूं तुम्हें थोड़ा सा? सब्जी डालो, सब्जी चाहिए, ये लो। नहीं मुझे नहीं। I'll have eggs. अरे माँ, इधर तो आओ, यहाँ पे आके मुझे वो बैंगन वाली सब्जी तो दो, बहुत ही अच्छी है। अरे सुनो, मेरी माँ ये सब्जी बहुत स्वाद वाली बनाती है। और डालो। अरे वाह, क्या टेस्ट है। अरे बाप रे, ये क्या, मेरे सब्जी में छिपकली। सूजी वाला हलवा छत पर चिपक गया। दादाजी ने हमें कंट्रोल करने के लिए बुलाया है कमांडर को। मुझको ये बताओ कि नए फ्रेंड के बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? फ्रेंड नहीं, गुंडा है वो, हमारा शत्रु है। ऐसे ही झूठ झूठ का दोस्त है कमांडर। हमें यहाँ कंट्रोल करने आया विलन। यस, ही इज आवर एनिमी। नायक नहीं, खलनायक है। यस, yes, जहाँ से वो आया है वहीं उसको वापस जाना होगा उल्टे पांव। यह, मैंने कुंफू का एक एक दिया तो हांगकांग जा पहुँचेगा। जोश में मत आओ, शत्रु को प्यार से चोट देनी है। हमें अपना प्लान नंबर 2 फॉर्मूला यूज करना है, क्या बोलते हो? डन। यह गुड मॉर्निंग माय डियर लिटिल फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग लिटिल फ्रेंड्स। बड़ी नम्रता से सलाम ठोककर ये सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, जरूर कोई बिकट प्लान बनाया बच्चे लोग भिड़ू। तू मेरे कान के भीतर उल्लू की बोली ना बोल, उल्लू की तुम बैठ। सुनो माय डियर फ्रेंड्स, आज तुमको एक बड़ी थ्रिलिंग एडवेंचरस कहानी सुनाने वाला हूँ। जंगल में हुआ था ये हादसा। वहाँ एक बड़ा सा हाथी था। फ्रेंड मैं पानी पी के आऊं जरा सा? ओके फ्रेंड, थोड़ा जल्दी लौटना वरना मेरी बोली हुई कहानी मिस कर दोगी तुम। अरे बंधु, अब तू देखना इस जादू को। टलम टलम टलम। सुनो 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 सुनो, कौए ने घुस सके जंगल में, चीटियां ने घुस सके जंगल में। कौए चीटियां नहीं घुस सके जंगल में तो पशु कैसे रह पाएंगे? सुना गुरु, कैसी चोट मारी छोटी बेबी ने। जंगल में था एक गजराज, जंगल का था वो महाराज। रंग था उसका काला काला, सफेद सिंह थे उसके दो। उन्हें सिंह मत बोलो फ्रेंड, दांत बोलते हैं उन्हें। भाई भूल गया, छोटी टिड्डी की नजर में तो तुम जीरो हो गए, समझे? अब तू देख मेरा नया जादू।
रुम झुम चलता था हाथी, रुम झुम चलता था हाथी, बच्चों का दोस्त वो हाथी, बेबी का दोस्त वो हाथी। अरे बबलू तू बोल, हाथी कमीज या पैंट पहनता है? हाथी ऐसे तो जंगल में घूमता है लेकिन घरों में नहीं रहता। इसको हम हाथी माने क्या? सच्चे हाथी और शेर कभी सॉन्ग और डांस करेंगे क्या? अरे बस, अरे बस, अरे बस, कबूल है राजा? क्यों समझेगी नहीं? स्टार टीवी, जी टीवी, एमटीवी वाले बच्चे लोग हैं। ऐसी पागल जैसी हाथियों भेड़ियों का चक्कर नहीं चलेगा। दम वाली बात चाहिए भिड़ू, नेचुरल होनी चाहिए। हर रोज हमको जो दिखे उनकी चूहे की, बिल्ली की, कुत्ते की कहानी बोलो। इस कुत्ते को हीरो बना के देख भिड़ू, इन्हें चकमा देता हूँ। भंजू तू चकमा देगा, देखता हूँ तेरा चकमा। तो देखो बच्चों, माय डियर लवली फ्रेंड्स, अब मैं तुमको कुत्ते वाला गाना सुनाता हूँ। एक था प्यारा अच्छा कुत्ता, उसकी थी एक टेढ़ी सी पूंछ, पूंछ में आ गई मोच, सीधी नहीं हुई वो टेढ़ी पूंछ। एक था प्यारा अच्छा कुत्ता, उसकी थी एक टेढ़ी सी पूंछ, देख के छोटे बच्चों को हौले हौले वो आता था। कौन हो तुम, कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? अरे भागो, अरे भागो, नहीं भाई मैंने क्या किया तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? अरे भागो, टाइगर टाइगर को दे, को दे। कुत्ता मौजूद था, मुड़ी मुड़ी सी पूंछ थी। हेलो मिस्टर राजू, रात मजे से सोए ना? एवरीथिंग इज हैप्पी? वेरी हैप्पी, मैं हैप्पी, भोंदू हैप्पी, सारे बच्चे हैप्पी हैप्पी हैं। मेरे थोबड़े पे लिख लेना सर, कितना हैप्पी है अपन। नाउ आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। ये बच्चे कैसे लगे? बच्चे तो खान है हीरो की, कहीं रहूं चाहे कुछ करूं, क्षण भर नहीं छोड़ते मुझको। कुछ तो करना ही चाहिए, चुप नहीं बैठते, भेजा है सर इनके पास। बाय द वे, जरूरी काम से टाउन जाना है मुझको। बुजी दादाजी तो टाउन जा रहे हैं। अरे ओ भोंदू, जब तक मैं ना लौटूं घर और बच्चों को देखना। घर और बच्चे? घर का ख्याल मैं रखूंगा, बच्चों की देखभाल राजू पे छोड़ दूंगा। गुड, वेरी गुड। क्या भिड़ू, हैप्पी ना? इन बच्चों से हैप्पी होना। अरे भोंदू मैं तुझे एक बात बोलूं। क्या है बच्चे? बच्चे तो मिट्टी में हीरे समान हैं। आहा, मिट्टी में हीरे जैसे हैं? अरे झाड़ वाले बंदर है राजू, अरे ये तेरा पागलपन है रे। उन्हें सुधारने के लिए भूत को डिब्बे में बंद करने वाला, दैत्य को शीशी में बंद करने वाला, मंत्रवादी को तांत्रिक को, किसी को तो आना होगा। कोई आज मेरे इस दिल को तसल्ली देना, कोई आके कुछ तो करना, घबरा रहा है दिल ये मेरा। जंतर मंतर करने को जादूगर आया है, लेफ्ट राइट बंदर को बस में करने बाजीगर आया है, लेफ्ट राइट हाथ में अपने वो जादू का डंडा लाया है। देख लो हजा, जंतर मंतर करने को जादूगर आया है, लेफ्ट राइट बंदर को बस में करने बाजीगर आया है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
तो कुंडलिया गायब होगी, आसमानों से जा बिस्कुटों की वर्षा होगी। मुंह में तुम्हारे पानी होगा, पेड़ की डाली से न्यूट्रीन की वर्षा होगी। छोटे को लंबा कर दूं, लंबे को छोटा कर दूं, तुमको दिखाऊंगा मैं मैजिक शो। खट्टी मीठी गोली बोली टूटी फ्रूटी बिस्कुट बिस्कुट चाह जो मंगा दूं। पर प्यार से रहना तुम, ध्यान से पढ़ना तुम, देवता और बच्चे एक ही होते हैं। तुमको दिखाऊं चंद्रमा से देखो कुल्फी की वर्षा होगी। दूध मलाई देख लो यहाँ दरिया में बहती है, वाह क्या सीन है। आइसक्रीम के पर्वत पर नाचो, फ्रूटी के दरिया में डालो, मिल्क शेक पी के तुम कर लो डिस्को। आइसक्रीम आइसक्रीम मिल्क शेक फ्रूटी जो भी खाना वो खा लो, तुम कुछ भी तुम करो। बस प्यार से रहेंगे हम, ध्यान से पढ़ेंगे हम, वेरी गुड। क्यों महाराज, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? जैसे बच्चों के बारे में सोचता हूँ नींद गुल, असल में उन्हें सोल्जर्स कमांडर्स बनाने का मेजर से वादा कर चुका हूँ। ये वादा कैसे निभाऊं ये सोचकर नींद उड़ जाती मेरी, पर तेरी नींद कहाँ गायब हो गई? अरे क्या बताऊं तुमको भिड़ू, कल तो मैं छिपकली से बच गया, और जो कुछ आने वाला है वो सोच के मुझको तो बहुत ही डर लगता है मेरे यार। आंख खोली तो बच्चों के भूत, आंखें मूंदी सोने के लिए तो असली वाले दिखते हैं मुझको। बाप रे, अरे बुद्धू ओरिजिनल दैत्य कहाँ है इन दिनों? सो गया हां, इन दिनों ओरिजिनल दैत्य कहाँ है? अरे वो दैत्य आ गए, वो सफेद दैत्य आ गए, बचाओ, देखो वो देखो वो देखो। ये क्या? अब ये नाटक भेज पे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पहले तुम्हें शैतानी के लिए इसी वक्त माफी मांगनी होगी। जाओ जाओ ठीक है, मांगूंगी। छोड़ते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। भी निकाल दिया, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? ये घर छोड़ के भाग जाने को मन नहीं करता तुम्हारा? कभी नहीं,
बल्कि तुम्हें बदलने की जिद अब और ज्यादा बढ़ गई है। ये लाल शाल डाल देना उसके कंधे पर, बाकी का काम ये बैल कर देगा। फ्रेंड, हाँ? इस रोज हम लोग तुम्हें नया गेम सिखाएंगे। तुम लोग मुझे नया गेम सिखाओगे, क्या है? सुनो फ्रेंड, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधेंगे हम। हम लोग तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। हाँ? तुम जिसको पकड़ोगे वो आउट। ओके। फेल हो गए तो तुम आउट। रेडी? हाँ, रेडी। शाल को इस तरह कंधे पर डालोगे, हीरो लगोगे। ओके। थैंक्स। कहाँ छुपे हो? बच्चों के हाथों ये मरेगा एक न एक दिन। अच्छा हुआ जो बच गया, नहीं तो। अब तो तुम लोग खुश हो ना? तसल्ली हो गई ना? अब शरारत की भी कोई हद होती है। आज तक बच्चा मानकर लाड किया, प्यार दिया तुम्हें, लेकिन प्राण लेने वाले राक्षस हो, ये सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। राजू तुम्हारे वास्ते घर को आया था, तुमने तकलीफें दी, लेकिन उनको वो सहता गया। तुम्हारी शैतानियां छुड़वा के तुम्हारा फ्रेंड बनने के वास्ते उनको सहता रहा, लेकिन तुमने क्या सिला दिया उसे? आज प्राण लेने पर उतारू हो गए। तुम्हारे लिए इस घर में आने वाले को तुमने ऐसा प्यार दिया, बैल सिंगों से उसे मार देता तो क्या उसके प्राण लौटा सकते थे तुम? राजू तुम्हारे जैसा राक्षस मनुष्य नहीं, उसकी जान तुम्हारा खेल बन गया। आज जब बैल तुम्हें मारने दौड़ा, खतरा मोल लेकर भी तुम्हारे प्राणों को बचाया उसने, यही सचमुच का प्यार है। दादाजी छोड़ो संध्या, इसके बाद भी मैंने तुमसे प्रेम जताया तो अपने से घृणा हो जाएगी मुझे। तुमको क्षमा करने वाला मैं नहीं हूँ, वो राजू है। अगर अब भी उसे तुमसे प्रेम है तो वही क्षमा करेगा। अगर वो क्षमा नहीं करेगा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जाओ। फ्रेंड, आई एम सो सॉरी फ्रेंड। फ्रेंड, मुझे माफ कर दो। फ्रेंड, प्लीज एक्सक्यूज मी। फ्रेंड, I'm really very sorry. Friend, मुझे क्षमा करो friend. Okay. कभी नहीं ऐसा करे, हमको क्षमा करो friend. गलती महसूस कर ली तो काफी है, अब हम सब लोग good friends हैं, okay? Okay. Tata. अगला प्लान क्या है संध्या? समुद्र में फेंकोगी या भट्टी में झोंकोगी? नहीं तो हाथ को फिर से काटोगी या पीठ में छुरा भोंकोगी? तुम सुधर गई तो मुझे प्राणों की भी परवाह नहीं। कमाल है फ्रेंड,
उनको क्षमा कर दिया, मुझे क्षमा नहीं मिलेगी? तुम्हें क्षमा चाहिए तो मैं जो भी बोलूंगा करोगी? अच्छा करूंगी। जो बोलूंगा करोगी? करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे भोंदू, सबको बुला, घर में जितने नौकर है सबको बुला। बिल्ला, भूतिया, आशा, आओ फौरन। मेरा साहब, आपको भी आना है फौरन। फौरन बता क्या बात है, चूल्हे पे पूरी जल जाएगी। क्या बात है, ये हंगामा कैसा? What happened? एस्टेट के सारे लोगों को बुला रहे हो, क्या हुआ है? हम सारों को लाइन में खड़ा करके मिलिट्री मार्चिंग करनी होगी सर। सर, आपने बोला था आपके मन में कोई इच्छा है जो मैं ही पूरी कर सकता हूँ, बोला था ना? बोला था। वो देखे, आपकी इच्छा पूरी हो गई। यार ग्रेट राजू, यार ग्रेट, ऐसा कभी होगा ड्रीम में ही सोचता था, मगर तुमने इच्छा वाकई पूरी कर दी। यार ग्रेट, यार रियली ग्रेट। थैंक यू सर। सुनो बच्चों, सब लोग दादाजी को नमस्ते करो। नमस्ते दादाजी। उठो बेटी, इस नमस्ते का मैं हकदार नहीं हूं, वो फ्रेंड है, उसे नमस्ते करो, जाओ। बजाऊं? हम तुमको सिखाएंगे। रेडी, 1, 2, 3। धीम धीम तका तारी की तका तारी की तका धीम धीम तका तारी की तका तारी की तका धीम धीम तका तारी की तका तारी की तका धीम 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 धीम।
संध्या की राजू से शादी कराएंगे। क्यों, मेरा फैसला पसंद नहीं आया? क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप सारे फैसले काफी सोच समझ के करते हैं, फिर राजू जैसा बुद्धिमान शरीफ लड़का इस जमाने में मिलना मुश्किल है बाबूजी। दीदी और फ्रेंड की शादी, दीदी और फ्रेंड की शादी होगी। ए, दीदी और फ्रेंड की शादी होगी। मिस्टर बाब, हमारे स्टेट में आना बोला तुम, यहाँ पे है क्या एक सूखा तालाब, वो भी बदबूदार। नो मच्छीज, नो यंग बच्चीज। टाइम बैड तेरी तो मैं, तेरा फेस बैड, तेरा तालाब बैड, तेरा स्टेट बैड। माय विलेज द ग्रेट खोबरा तिजारती सोमनाथ, माय फादर हिज सन नादान खोबरा तिजारती भोलू। अरे तेरे स्टेट में आया हूँ, कुछ ना कुछ तो हाथ लगना है ना। अरे वो अभी जिंदा बैठा है। ठीक है, फौरन गोमती एक्सप्रेस में सीट करके फादर को बोलता हूँ जाके। मेरे तगड़े बापू, तेरा खोपरा टूट गया, तेरे खोपरे के बाग भी जलने वाले हैं। अरे सूखे हुए खोपरे अल्लाह क्यों मचावे? मेरा खोपड़ा सूखा है, भूसा है उसमें। अरे मरा हुआ रामू फिर से जिंदा हो गया। मरा नहीं, वो जिंदा है। जिंदा है वो, दुर्गापुर स्टेट के नजीक दोपहर के सूरज की तरह दहकता हुआ दिखा मुझको। अगर वो लौट आया तो भूल जा, नहीं लौटेगा, आने भी नहीं दूंगा। चला गया जो आना नहीं उसे, जहाँ है मरना है। अरे जी मालिक। चौक वाले चौकदार साले को खबर भेजो, मैंने बुलाया है, बोल। उस रामू साले को मार दो, उसके शव को इस गांव में एक भी आदमी ना देख पाए। अच्छा मालिक।
नदी के नीचे तक जाके ढूंढा, नाव में भी जाके खोजा, कहीं आपके आदमी का पता नहीं चला। दो रोज ढूंढा, उसका शव भी नहीं मिला साहब। डॉक्टर, yes. उस पेशेंट को होश आ गया है। Is it? आप तुम कैसे हो भाई? डॉक्टर, मैं कहां पर हूं? ये रेड क्रॉस का मोबाइल हॉस्पिटल है भाई। दो रोज पहले हम लोग पापी परोदों से लौट रहे थे तो तुमको नदी में बहते हुए हमने देखा। नसीब से तुमको हम लोग बचा सके, लेकिन तुम हो कौन? काम कौन सा? जी मैं रामू हूँ, गाँव भोजपुर है। भोजपुर क्या, क्या वहाँ तुम्हारा कोई है? सब है वहाँ, मेरी माँ है पार्वती देवी। हाँ डॉक्टर, मेरा भोजपुर गांव एक हरा भरा गांव है। अपने लोगों के बीच आत्मीयता से बातें करने वालों में एक सुंदर सपना जैसा मेरा जीवन। दीदी
भगवान ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है बेटी। 4 महीने तुम सबके जीवन में बसंत की खुशियां भर के उस राजू को निर्दयता से तुमसे दूर करके अनेक दुख दिए तुम्हें उसने। राजू अपन लोग के बीच में नहीं है, लेकिन अपन के सामने हिलडुल रहा है, वो अपन के बीच घूम फिर रहा है ऐसा लगता है मेरे को। हमारे जो सपने थे वो सिर्फ सपने ही रह गए, सिवा उसकी मीठी यादों के और कुछ नहीं हमारे पास। क्या कहा तुमने माँ जी, रामू 4 महीने से नहीं लौटा शहर से। मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, वो 4 महीने पहले ब्याह के जेवर बनवाने को शहर गया था, भगवान जाने वहाँ उसको क्या हो गया जो लौट कर नहीं आया। वो शौक बड़ा गहरा था मालूम होता है, तभी इन 4 महीनों में कहाँ था क्या किया वो बता नहीं पा रहा है। चाहे जो हुआ, आप सबकी कृपा से मेरा बेटा मुझे मिल गया, ये काफी है। रामू, रामू, माँ। अम्मा का शब्द सुने बिना इतने रोज मैंने खोखला जीवन बिताया मेरे बच्चे। लेखा जोखा पूरा भाग्य का है, मनुष्य की मौत होती है, ममता की क्षति कभी नहीं। तुम सबकी ममता ने मेरे प्राण लौटा दिए। रामू, उषा बहन, उषा बहन, तुम्हें मालूम है रामू लौट आया है। अपना रामू गांव में वापस आ गया उषा बहन। वाकई में तुम बहुत तकदीर वाली हो पार्वती बहन। सच बोला बाबूजी, लेकिन मैंने रामू से पूछा इतने रोज कहाँ था तू, तो कहने लगा वापस लौटते वक्त शहर से मुझको गुंडों ने खूब मारा। इतने रोज मैं कहाँ था, मैंने क्या किया, कुछ मालूम नहीं मुझे। जो याद नहीं उसे वो पूछना फिजूल है बहन। रामू फिर वही रामू बन के मिल गया हमें, वो हमारे बीच में नाचे गाए घूमे फिरे काफी है। सच बोला। भगवान भले लोगों का कभी बुरा नहीं सोचते रामू, 4 महीने हमसे तुझे दूर रखा फिर भेज दिए यहीं, ईश्वर ने अपनी गलती सुधार ली। पार्वती बहन, हाँ। हमारे शुभ दिन लौट आए, तुरंत शुभ मुहूर्त ढूंढ के उषा रामू का ब्याह करके आशीर्वाद दे के ठाट से चुरुट मुंह में लगा के पंडाल के बाहर घूमूंगा। रामू ओ रामू, दूल्हे बाबा रामू, पंडाल बनाएंगे मोगरे के फूलों से खूब सजाएंगे। तेरी मेरी होगी शादी जाने जाना, तब तो बड़ा मजा आएगा, दिल का झंझट भी मिट जाएगा। तूने है मेरे दिल में कैसी आग लगा दी है सपनों की रानी, तेरी मेरी होगी शादी जाने जाना, तब तो बड़ा मजा आएगा, दिल का झंझट भी मिट जाएगा। करूंगा बालों को तेरे, गालों को तेरे छूता रहूंगा, बाहों में भर के तुझे।
मेरी होगी शादी जाने जाना तब तो बड़ा मजा आएगा दिल का झंझट भी मिट जाएगा तो बड़ा मजा आएगा दिल का झंझट भी मिट जाएगा जाने जाना दिल है दीवाना मेरे है सब तेरा प्यार कर लिया है तू छोड़ के तो ना जाना छोड़ के ना जाऊंगा तुमसे वादा है मेरा हाय तेरी मेरी होगी शादी जाने जाना तब तो बड़ा मजा आएगा का झंझट भी मिट जाएगा तेरी मेरी होगी शादी जाने जाना तब तो बड़ा मजा आएगा दिल का झंझट भी मिट जाएगा हुकुम करा जा गया मैं जीत गया आ, हमारा रामू गांव में आ पहुंचा तेरा खेल खत्म रामू गांव में आ गया ए, जिसे जड़ से काट दिया था उस पौधे में फिर जान आ गई मरा हुआ रामू गांव में फिर लौट आया वो कहीं दिखे तुम्हें देख के मौका खत्म कर देना उसके पट्टो मैं फ्रंट में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तुम बैग दिखा रहे हो इशारा न कर देखो वो देखो इतनी हिम्मत है बे यहाँ पे घुस के मेरे लोगों के सामने मेरे ही दीवान पे रुआब से बैठा हुआ है अरे इसे मार डालो रे गधे का बच्चों करंट ने शॉक मारा ऐसे सन्न से खड़े हुए हो अरे मार डालो से इसे मारने से कुछ फायदा नहीं वहां देखो क्या है क्या है वहां क्या है बावड़ी बावड़ी में घिरनी घिरनी में रोप रोप के आखिर में तेरा छोरा और नीचे करो नीचे करो रुके रहो नीचे अगर रोप छोड़ दी तो बावड़ी का जल खोपरे के जल की तरह पिएगा तेरा छोरा नहीं 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 खोपरा तिजारती सोमनाथ फिर अगर मेरे आड़े आया तो आंखें उखाड़ के खोपरे के ऊपर लगा के घर के दरवाजे पे लटका दूंगा नजर उतारने के लिए ए रोप छोड़ दे रे और बोलू मैं भी इतना हूं हल से रेंग और ऊपर आ जा व्हाट फादर द ग्रेट खोपरा तिजारती सोमनाथ मी आई हेल्प यू ये रोप जरा ऊपर ओह श्योर व्हाई नॉट रुक 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 ये बोल बावड़ी में था रे ऊपर कैसे पहुंचा व्हाट नॉनसेंस मैं बावड़ी में था कौन बोला तुम्हें रामू ने बोला रामू ने बोला तुम बावड़ी में गिर पड़े रामू ने ये मुझे बोला चल छोड़ अच्छा ये बोल इस रोप को काय को खींचता था बावड़ी में तुम गिरे थे तुम्हें ऊपर लाना था ना खोपरे से मारा था तेरा मुंह भजिया बन जाएगा चिकन बिरयानी मटन बिरयानी आलू परोठा भजा परोठा कीमा परोठा चुप रहे रोप खींच भीतर कौन है देखते हैं खींचो हाय लातों के स्वामी तू तू फिर क्यों आया उल्लू की तुम स्वामी पहले मैं जब आया था तो लात मारे बिना भेज दिया लात लगा के आशीर्वाद दीजिए स्वामी ओ बाप रे तू मुझे कहाँ मिला दुष्ट सैंघव जैसा अच्छा आज 500 रुपए वहाँ पे रख और मुड़ के खड़ा हो जा 500 क्या हाँ। स्वामी वो आते वक्त बस में मेरा पर्स ले गया कोई स्वामी अब तो हाथ में 10 पैसे भी नहीं है मेरे तो आप यूं करिए स्वामी ये उधार हुए हैं हे बाप इसे आश्रम समझा है या ठहरने की दुकान समझा है बिना पैसे के लातूंगा स्वामी जी क्या यही है आपकी भक्त रक्षा क्या यही है भक्तों पे आपका प्यार लातोगे स्वामी चुप कर अपने को तूने क्या भक्त रामदास समझा है खुद को काली शक्ति भाग समझा है गेट आउट फ्रॉम माय आश्रमम गेट आउट क्या हाँ। तुम हटो पीछे फोक दे हटो चमचो ए जटा वाले स्वामी जी पैसे बिना नहीं लातोगे नहीं लातूंगा पैसे बिना नहीं लातोगे नहीं कभी नहीं ए भैंसे पैसे बिना नहीं लातोगे अरे कुत्ते पैसे बिना नहीं लातोगे अरे खजेले कुत्ते पैसे बिना नहीं लातोगे नहीं लातूंगा
चर्बी बहुत हो गई है क्या? ए, पैसे दिए तो तुझे लात दूंगा, 100 रुपए दिए तो तुझको पागलों जैसी लात मारूंगा। ए, मोटे भैंसे चिकन मटन खाने वाले, लात मारना मारना मार, मार, जल्दी मार। नहीं स्वामी जी, आपको चढ़ा के पटा के फ्री में लात मरवाने की कोशिश में है, वो भले लात मारे, आप नहीं मारना। क्यों रे, लात नहीं मारेगा मुझे? मुझे तूने मारेगा तो मैं तुझे लात मारूंगा। मुझको छोड़ दो, उसके बाप का घर भर चुका है। क्यों रे, तेरा मटका तो कब से भर गया है बाजी? जोश को ठंडा मत करना। अरे जोश में आके क्या कर लेगा तू, भैंस के बच्चे? मेरा गुस्सा ना थमे। अरे क्या कर लेगा तू? फटने वाला है। पता ना, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला। मार मार, अरे मारना, दम है तो मार, जोर से मार, लात मार। ए गधे, लात मार, ऐसे लात मार, कुत्ते लात मार, बिल्ले लात मार, ये ले तो सही, चल मार मार, कितना मजा आएगा। मार, ए मां, ए मां, ओ गेंडे स्वामी, तेरी माँ की पेट में आग लगे। अबे ओ गधे की लात लगाई है तूने, तेरे टांग में फ्रैक्चर हो जाए, तेरे टांग को पोलियो होके लंगड़ी हो जाए। हे माँ, लात लगाई तो सही, इस मार से भाग्य बदला अगर तेरा मंदिर बना दूंगा। लातों के स्वामी, लातों के स्वामी। कौन है जो पागल की तरह शोर मचा रहा? लातों के स्वामी, सारी तेरी मेहरबानी। लातों के स्वामी, लातों के स्वामी। ओह, लातों के स्वामी ने लात मारी तो यहाँ गिर पड़े तुम? हाँ प्रभु, ये सारी लातों के स्वामी की महिमा है। राजू, तुम यहाँ पे हो क्या? राजू, अपने गांव में रहूंगा। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। राजू, मैं हूँ, मुझको पहचाना नहीं? राजू, तुम्हें पहचाना? तुम मेरे मंत्री हो। मंत्री जी, मेरा सेनापति कहाँ है? प्रभु, बॉस बेचारे को पागल कुत्ते ने काटा लगता है बॉस। कुत्ता था एक प्यारा सा, उसकी पूंछ थी टेढ़ी सी। दोस्त, बहुत से कुत्ते मिलेंगे यहाँ, चाहो तो धोती ले जाओ। हाथी, देखो देखो काला हाथी, उसके दो दो सींग सफेद। ये चक्कर है क्या? हाथी ढूंढता हुआ आया है, इसे जंगल में ले जाओ, वहाँ हाथी दिखा देना। जाओ राजू, हाथी ढूंढो। राजू, राजू, राजू मुझे भूल गए, मुझे भूल गए। राजू मेरी बात सुन, राजू मुझे तुझे याद करते फ्रेंड फ्रेंड कहते। राजू, 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 संध्या बहन, संध्या बहन, तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं सच बताता हूँ, राजू मरा नहीं, जिंदा। सच बोलता हूँ बहन, भोजपुर गांव में देखा उसे। क्या क्या राजू, राजू, देखा तेरे, तूने फ्रेंड को देखा तूने? ठीक तो है वो, मजे में है ना? हमें पूछा क्या? ये आने वाला है, हमारे पास आएगा वो? आऊंगा ये तो नहीं बोला मुझे, अनजान हो गया मुझको देखकर वो, जैसे मैं पागल हूँ, ऐसे कुछ कुछ बोलता गया मुझसे। क्या भूलूं संध्या बहन, राजू ने मुझसे पराया समझ के बात की। नहीं, कहीं पे कोई ना कोई उलझन है, मैं नहीं समझती वो ऐसा करने वाला है। राजू क्यों करेगा ऐसा? मैं फौरन दादाजी को फोन करती हूँ। ऐसा क्या? राजू है वहाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल दादाजी, मुझे फौरन वहाँ जाके राजू से मिलना होगा। ठीक है बेटी, उस गांव में धर्मराज नाम का मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उससे मिलो और साथ में भोंदू को भी ले जाओ। अच्छा दादाजी। मिस्टर शंकर पाटिल अप्पारा, वो फेस देखो और ये फेस देखो, नो डिफरेंस, सेम टू सेम। मैं भी घोड़े पे जाऊंगा, घोड़े पे जाऊंगा। जाए तो तेरी बस टूट जाए, फूंक जाए, अनाज की बोरों की तरह फेंक दिया हमें। मुंह बंद करके पूछ धर्मराज जी का घर कहाँ है। ऐसा ही करूंगा, मुंह बंद करके पूछता हूँ धर्मराज जी का घर कहाँ है। प्लांटर पगड़ी, धर्मराज का घर नहीं मालूम? हाँ, गांव में कोई भी बोल देगा। वो दोनों उषा के घर को जाने वाले हैं, मस्का लगाकर किसी तरह इनको धर्मराज ससुर जी के घर को लेके जाता हूँ, ये जाके वहाँ बजाने वाले हैं, मेरी डफली उषा मुझसे फंस ली। चल भाग, आया बड़ा बताने। हो, मेरा लगेज। नो प्रॉब्लम, योर लगेज माय बाजू। अरे बाप रे, ये तो कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ कुली लगता है यार। नो कुली, प्रजा प्रपस, जन सेवा। आई विल शो धर्मराज हाउस, आई एम मनमोहन, कुली नंबर वन, दद्दाच की दर्दर। अरे सुनो, तुम भोजपुरी कॉटन किंग हो क्या जानी? नो कॉटन, दिस इज खद्दर। ओहो, यू फॉलो मी? इंग्लिश मत झाड़ रहे। अजी
इस खोपरा तिजारती सोमनाथ का नाम बोला तो लोटा गांव के नारियल के झाड़ जूम उठेंगे। लेकिन तुम्हारे बाद क्या होगा? मेरा भोलो बाबू जो है ना, मेरे बाद वही तो बारिश है बोझा ढोने वाला। दिस इज बतके, ब्यूटीफुल बतके, यू लाइकिंग? वो देखिए आपका बेटा गांव का सामान सिर पर उठाकर, ईस्ट गोमती का बेस्ट अमरीशपुरी कुली की तरह सामान ढो रहा है वो। दिस इज ऑल कोकोनट ट्रीज, यानी अमरूद के झाड़। अरे तोते चुके हो गए, इस तोते का मुंह बंद हो गया। ये तो कोई शहर वाली लेडी है, पली हुई मुर्गी, सुंदर लेडी, मुरब्बा आम वाला है, बिखनापुर वाला मालपुआ। अबे अपनी कविता को तालाब में डुबो दे। डुबोना नहीं दोस्त, उधर जरा सिर घुमा के तो देखो। बॉस रामू बॉस। Oh my God, this is Dharamraj house. Take this Aman. Very many thanks. आदमी तो बंदर जैसा है पर बैल की तरह लगेज ढोया इसने। Very interesting man. बंदू, इसे मजदूरी देके भेज दे। अच्छा। Oh madam, madam, I am not कुली, प्रजा प्रभास। ओरे, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ तुझे। बस से नीचे आने के बाद बतख कहते हो, कोकोनट्स कहते हो, इंग्लिश की टांग तोड़ते हो। तेरी इंग्लिश की ऐसी की तैसी, कितनी मजदूरी हुई है हिंदी में बता। मजदूरी छोड़ो, दया भूलो, भीतर उषा नाम की अति सुंदर छोरी है। उसका मैं गाढ़ा लव प्रेमी हूँ। आई साहसी हूँ बोलना, मेरी मूछों के बारे में उसे जोरों से बोलना। दद्दा जी की दरदरी खाएंगे पकौड़ी वाली कड़ी आपस में बैठ के, आई समझ में? ये क्या है, बलपित्र बराबरी, बलपित्र बराबरी, ये कैसे इंग्लिश है रे? ये मुझको भी सिखा ना, आना कोने में। कहाँ, किधर? आना। हाँ उषा, इसके दादा मेजर नारायण प्रसाद और मैं जब छोटे बच्चे थे ना, यानी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, बड़े गहरे दोस्त थे। फिर तुम दोनों दोस्त हुई। रोज एक थाली में खाते थे, कमरा भी हम लोगों का एक ही होता था, चुरट भी एक ही पीते थे। जिगरी यार थे। सुन बेटी, गांव में रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं ना, वो देखने को इसके दादा ने इसे यहाँ भेजा। क्या बेटी, तो इसे गांव में घुमा ला, बाहर लोग मुझसे मिलने को बैठे हैं, मैं चलता हूँ। आइए 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 बैठिए। बाप रे, सुनो, अब से तुम इस तरह आइए बैठिए कह के तकलीफ मत दो मुझको। संध्या कह के बुलाओ ना। ठीक है, फिर तुम मुझे उषा कह के बुलाओगी। उषा? हाँ भाई, वाह बहुत खूब। तो देखा तमाशा, तुम हो उषा, मैं हूँ संध्या। अलग सुबह थोड़े कम गर्म सूर्य के किरणों को उषा बोलते हैं और सूर्यास्त के समय को लोग संध्या बोलते हैं। हमारे नामों के बीच कितनी कम दूरी है, देखा तुमने? सच बोली संध्या, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। हाँ तो गांव की विशेषता क्या है, ये नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी? गांव के अंदर खोपरे के बाग, केले के बाग, आमों के बाग, गन्ने वाले खेत और अमरूद के बाग भी है। असल में यहाँ न फलने वाली फसल ही नहीं है, वहाँ पहाड़ पर हनुमान मंदिर भी है। सुनो, मैं यहाँ बोल रही हूँ, तुम खिड़की में से बाहर कुछ देख रही हो? बस यूं ही खिड़की में से देखती हूँ तो गांव बहुत सुंदर लगता है। और गांव में बढ़िया फ्लूट बजाने वाला भी मौजूद है। फ्लूट? ऐसा तो यहाँ पे कोई भी नहीं, लेकिन दफ बजाने वाला बाका छोरा है। दफली बजाने वाला है? तुम सब लोग मवेशियों को घुमा लाओ, जाओ। उषा, सर में बहुत दर्द है, कॉफी ला दोगे थोड़ी सी? ओहो, मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। काली गाय माँ बनने वाली थी, आज सुबह ही उसको बछड़ा पैदा हुआ है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यार। चोर, मुझे छोड़कर इतने दिन से यहाँ छिपे हो, तभी मुझे यहाँ तुम्हारी तलाश में आना पड़ा। हमारे बारे में किसी से कुछ मत कहना तुम। हाँ संध्या, कॉफी में शक्कर कम डालो या ज्यादा डालो? डालो डालो, जितनी चाहो डालो। शाम को नदी पे मिलना, दिल की सारी भड़ास वहीं पे निकालूंगी। कॉफी रेडी? तुम कॉफी पियो, मैं गर्म पानी रेडी करती हूँ। संध्या, तुमको पानी थोड़ा गर्म या बहुत गर्म चाहिए? रामू, तुम यहाँ पे कब आए? आज बाजू वाले गांव से गांव की छोरी आई है, उसके सामने हम थोड़ा अलग रहे तो अच्छा होगा। क्या हुआ? तुम तो बोसों के लिए पागल हो। नानी माँ, दादी माँ। बॉस 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 बॉस
बॉस बॉस बॉस, कल उषा के घर से लौटने के बाद हैजे का दौरा पड़ा हो, इस तरह आगे पढ़ के घूर रहे हो। बॉस, उस घर में प्लेग व्लेग की बीमारी तो नहीं फैली हुई है? इससे ज्यादा कुछ हो गया यार। मैं उषा के घर में जो ही घुसा तो पागलों के माफिक वो छोरी जो वहां आई हुई है मुझ पर गिर पड़ी, कंधों को दबाकर मुझको दबोच के टप 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 चुम्मों की वर्षा शुरू कर दी उसने। सच्ची क्या? हाँ। बिना जाने उसने कैसे बोसों की वर्षा शुरू कर दी? अरे जा भी तू, अपने रामू को बोसों की वर्षा के लिए पुरानी पहचान की जरूरत है क्या? वो तो गुड़ की बेली है। हाँ, वो होगा होगा, वो फुदक को भी कुछ कम उस्ताद नहीं है। परिचय ना हो जिनसे, परिचय करके वो जब चाहे उनसे अनजान हो जाती है। बड़ी एक्टिंग करती है, हल्की फुल्की खातिर करती है, और फिर मेरे जैसे करोड़पति से वो अपना लगेज उड़वाती है की ऐसी की तैसी। क्यों रे, तुम सच बोल रहे हो? हाँ, साल में एक दफा बोलता हूँ, जैसे आज मैं चला। शहर की छोरी लोगों को यूं लू बनाती है, मिल की रोटी जैसी उस छोरी को जौ की रोटी का स्वाद बताऊंगा। अरे कल्लू बॉस, तू पंप सेट के नजदीक शहर वाली छोरी को बुला, वो आ जाए इसके बाद जज रहे बज रहे बज रहे। ओके यार, अभी वहां जाके बोलता हूँ। छोरी हो तो शहर की, बल बितरे बला बली, 303 की गोली कहाँ चली, आ मेरी गली। शहर वाली छोरी सुनो, रामू तुमसे सवेरे बात नहीं कर पाया, इसलिए तुमसे बातें करने के लिए अभी पंपसेट के पास बुलाया उसने, फौरन पहुंचो। गोरी खटपट हमसे ना कर चुम्मा दे दे हा, खटपट करता है दिल तू ही मेरी मंजिल ले ले चुम्मा हा। चुम्मा ले लूं तो तू ना शर्माना, चुम्मा ना दो तो तू ना घबराना। हर पल खलबल गड़बड़ हलचल दिल भर आ जा, मैं कब से हूँ प्यासा। खटपट आजा गोरी खटपट हमसे ना कर चुम्मा दे दे हा, खटपट करता है दिल तू ही मेरी मंजिल ले ले चुम्मा। चुम्मा ले लूं तो तू ना शर्माना, चुम्मा ना दो तो
राजा गोरी कटपट हमसे ना कर चुम्मा दे दिया, कटपट डरता है दिल कटपट हमसे ना कर चुम्मा दे दिया। उषा, वो रामू तुझे श्री राम जैसा सिंगल पत्नी वाला बोला था ना, उसने शहर वाली छोरी को तुझसे छुप के पंप सेट पे बुलाया है। तू चाहे तो देख ले खुद, ये सच हो अगर तो उसे जाबे बोल, नहीं तो आबे कह मुझे। इसके बाद फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल और कांटे, फूल और पत्थर, काटरा वल्ले। इस कपलिंग धड़धड़ को तो सुलगा दिया मैंने, भगवान रामू को ना बचाए। उषा कर ले इससे कुट्टी और चुम्मा दे दे मुझको। है गोरी गोरी शहरी छोरी तो आ गई, बस बस बस, वो दौड़ी हुई आ रही है। आने दे आज उसको जज्जर जज्जर बजर बजर। वो आ गई, चल हम लोग चल 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 चल। हाँ मेरी रजवाड़े की रज्जो की पायल, इस रामू से तो पपियां झपियां करेगी तो बुरी तरह हराऊंगा मैं। हाँ राजू, मैं डर गई थी कि तुम मुझसे पूछोगे मैं कौन हूँ। मैं तुझे नहीं पहचानूंगा, तुझे कैसे भूलूंगा। मुझे मालूम है राजू, तुम मुझको नहीं भूलोगे। अच्छा हुआ ना फिर से मिल गए हम लोग। Really, I'm so happy. I love you, Raju. I love you so much. I love you. Yeah, I also the love, you love, I love. You know the Gomti Express, I the Vishakha Express. You know the English picture, the touring talkies, the black ticket, and the cut, the fight, and the Dishung Dishung, the action of the beautiful sky, colorful, kalapatya, cool drinks, the Pepsi Cola, the Coca Cola. ये इंग्लिश मेरी है, कॉपी मार रहा है, रोको उसको। चुप कर, तू कोई इंग्लिश का विद्वान है? प्राइमरी स्कूल भी नहीं गया होगा। डेकन हलवा, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, काठरवली, मासपत्री, तू प्लांटर, पगड़ी, सी दैट सीन, यू ईट द नूडल्स, द फ्राइड राइस, चिली चिकन, जिंजर चिकन, मटन। तभी तो बोलता हूँ कि तू मार गोली और आना मेरे द्वार, रानी जॉनी मेरा नाम। And everybody love 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 story love. वैसी हो राजू, वही जोक्स, वैसी कॉमेडी। ये यहाँ पे क्यों आ गई? राजू कहाँ चले? राजू भी नहीं, काजू भी नहीं, अब मेरी टफली पड़ेगी। ये क्या संध्या, बिना कसूर के तुम्हें पानी में फेंक दिया? यही मैं नहीं समझ पाई। अभी तक खूब जोक मारा वो, भीच के तुमको बंडल इंग्लिश भी फेंकता रहा वो। धर्मराज की बेटी उषा को देख के अचानक पानी में धक्का मार के चला गया। हाँ। अपुन तो सोचता है ये दो छोकरी के प्यार के बीच में फंसा हुआ मजनू है। ऐसा है तो संध्या, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भगवान ही बचाएगा। ए, उषा कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है बॉस, उषा काफी गुस्से में थी, वो जरूर कुएं में डूबने के लिए गई होगी। वो जरूर कुएं में कूदेगी, उसे फौरन बचा लो। उषा, उषा, जाओ। वहीं रुक जाओ। ऐसा क्या हो गया जो बावड़ी में कूदने को तैयार हो गई? और क्या होना है, वो शहर वाली छोरी चटक मटक पढ़ी लिखी बुलबुल है, उसके पीछे पड़ गए। अब अनपढ़ गांव के गंवार काहे को पसंद आएगी? उस चुलबुली बुलबुल और गांव के ताजा फूल में अंतर नहीं है क्या? अरे उसने मेरे ऊपर डोरे डाले, उसका खेल था, मैंने जवाब दिया बस। ये उससे खेल खेल रहे हो तुम या मुझे झांसा दे रहे हो? छोड़ दो ये नाटक रामू। ये नाटक नहीं उषा, मेरा यकीन करो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो विश्वास कर लूं। शहर वाली छोरी का चुलबुलापन भाग गया है, तभी मुझे छोड़ के उसके पीछे पड़े हो। उषा जरा समझ मुझे, तेरे मुकाबले कोई नहीं दुनिया में। इन्हीं मीठी मीठी बातों से धोखा दिया तुमने, दया करके मुझसे दूर रहो तुम, नजदीक मत आना मेरे। उषा तुम चैन से मुझे जीने दो। उषा, उषा मेरी बात सुन। उषा, 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 उषा। राम तू कभी भी ऐसा नहीं था, इस तरह क्यों पी रहा है? कभी भी जो नहीं हुआ वो अब हो गया। तभी ये छोरी कौन है मालूम नहीं, उसने ऐसा क्यों किया मालूम नहीं, उसकी हरकत देखकर आज उषा मुझ पर भड़क गई। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं नदी में कूद जाऊंगी, बावली में डूब जाऊंगी। मैं नदी में नहीं कूद सकता, जबीदार हूँ मैं, कूदी मार रहा हूँ। उल्लू की बेटी कूदे तो कूदे, निकले तो निकले।
तुम क्यों कूदते उसके वास्ते और तेरे वास्ते मैं क्या कूदू बाप? ब्यूटीफुल शॉट, फैंटास्टिक। ये क्या पी रहे गुरु? खोपरे का पानी गुरु। तेरे बाप के खोपरे के बाग का खोपरे का पानी गुरु। खोपरे का पानी खोपरे में होता है, ऐसी शीशियों में नहीं होता गुरु। ये शीशियां भी खोपरे के जाल के अंदर उगती हैं गुरु। प्लांटर पकड़ लिया गुरु। प्लांटर नहीं जगड़ा गुरु। फूल और कांटे नहीं है गुरु। फूल और पत्थर गुरु। ये भीगी सी गीली सी शाम नहीं है गुरु। आज बहुत नशा चढ़ गया यार मुझे, बहुत तगड़ा लगा गुरु। अरे पी हम लोगों ने लुढ़क ये रहा है। रामू रामू, मंदिर में मन्नत के मंडप में शहर वाली छोरी दीपक जला रही है, शायद इस तरह तुम मिल जाओ। उसे पुजारी बोला। कौन है पुजारी है बगने के लिए? दीपक जला रही, दीपक। शहर वाली छोरी, आज दिवाली का त्योहार है, मेरी खुशियों के दीपक बुझा के मंदिर में दीपक जला रही हो? राजू नो राजू, मेरी जिंदगी में तुमने घुस के उसको फूंक दिया, बोले वाले लोगों को तुमने रुला दिया। तुम कौन हो, क्यों आई हो? मैं कौन हूँ ये तुम पूछ रहे हो? तुम ये शराब पी के पूछ रहे हो? हाँ, शराब पीने के बाद ही पूछ रहा हूँ। सच बोलने के लिए ही नशे में आया हूँ। तुम्हें इज्जत निकालने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए गांव के अंदर मैं दिखा क्या? तुम्हारे इस खेल की वजह से कितने लोगों के जीवन तूफान में डूब गए जानती हो? अरे मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? ये शेर बकरी वाला खेल काफी हुआ, तुम जहाँ क्यों वहीं फौरन लौट जाओ। शहर वाले दांव पेश खेलने के लिए किसी दूसरे को ढूंढो। दया करके दूर चले जाओ मुझसे, जिधर चाहो जाओ। हाथ जोड़ता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, चली जाओ चली जाओ। यानी राजू जिस समय तुम्हें मिला पिछली जिंदगी भूल चुका था? बिल्कुल मेजर साहब, रेल की बोगी में पड़ा था राजू, कोई ले आया उठा के उसे मेरे पास, पास रख के अच्छा होने तक दवा दारू की, लेकिन अपना गांव और नाम नहीं बता सका मुझको। मासूम से स्वभाव वाले राजू को आपके बच्चों के साथ रखा, तब कुछ भूल कर मामूली आदमी की तरह शांत हो जाएगा, तभी उसको यहाँ भेजा। पिछली जिंदगी का सुन के आप दुखी ना हो जाएं, इसकी सच्चाई को छुपाया मैंने आपसे। पानी के अंदर कैसे गिरा भूल के पिछली जिंदगी को याद करके गांव लौट आया होगा। यानी यहाँ पर जो कुछ हुआ उसे वो सब कुछ भूल चुका होगा। माय गॉड, अगर ये सच है तो हमसे ज्यादा दुखी और कौन होगा डॉक्टर? उसे ही सब कुछ मान के हृदय में जिसको बसाया वो बेचारी संध्या ये बात जान गई तो मालूम नहीं क्या होगा। फ्रेंड फ्रेंड रखने वाली उस बच्ची को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा, समझ नहीं पा रहा हूं। संध्या और बच्चों का रक्षक अब केवल ईश्वरी है। हाँ मेरी बच्ची, राजू की जान जिसने बचाई उस डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बोला। बीते दिनों को भूल के राजू हमारे पास आया था, याददाश्त लौटने के बाद बिल्कुल भूल गया हमको, वो हम लोगों को पहचान नहीं पाया। उसमें उसकी भूल नहीं, जानबूझकर ऐसा किया उसने, ये मत सोचना बेटी। दादाजी, काटो में सुखों में, जीवन में मौत में, दूसरे जन्म में भले से हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। हम दोनों ने सौगन खाई थी, फिर भी राजू मुझको अभी भूल बैठा है। आंखों के सामने से गुजरते हुए बादल जैसा मेरा ये खोखला जीवन मेरे लिए कठिन शाप होगा दादाजी। तेरी वेदना मुझे मालूम है बेटी, जिन मीठे क्षणों की याद अब उसको नहीं है। उससे तेरे मन को जो ठेस लगी है उसको तुझे सहन करना कांटों पे चलने जैसा होगा। तेरा जीवन आंसुओं में डूब गया बेटी। अब संध्या बहन, तुम भी भूलने की उसे कोशिश करो। तुम कौन हो उसे समझाना आसान नहीं, लौट जाएंगे हम लोग। मैं नहीं लौटूंगी,
राजू मेरा है, सिर्फ मेरा है। मैं कौन हूँ, उसके दिल में मेरा क्या स्थान है वो मैं उसे बताऊंगी। शिथिल हुए हमारे प्रेम में एक नई स्फूर्ति पैदा करूंगी। हर सोई हुई याद हर क्षण को लौटा के लाऊंगी। हमारे जीवन से दूर हुए चहकते हुए बसंत को मैं फिर से लौटा के लाऊंगी। Thank you.
अरे मेजर, इतने सालों के बाद मिलने पर खुश होना है या इन परिस्थितियों में मिलने पर दुखी होना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस वक्त रामू और उषा के ब्याह के बारे में सोचा था, अचानक रामू हमसे 4 महीने तक दूर हो गया। उसे वापस लाने के वास्ते उषा ने गांव में पूरे देवी देवताओं की पूजा की। उसके लौटने के बाद उससे शादी भी होने वाली है जानकर सारी खुशियां मिल गई उषा को। लेकिन तेरी परिस्थिति को देखकर मैं बड़े पसोपेश पे पड़ गया दोस्त। रामू बीती बातें भूल के तेरे पास पहुंचा, तूने उसे आदर दिया, वो बच्चों का लाडला हो गया। संध्या के मन में भी उसे जगह मिली, संध्या चाहने भी लगी उसे, ब्याह भी होने वाला था उनका। अब एक को दिया हुआ न्याय दूसरे के लिए अन्याय होगा नारायण। सच बोल रहे हो तुम, गांव को इंसाफ देने वाले धर्मराज के लिए यह बड़ी कठिन समस्या बन गई है। आज तुझे मालूम नहीं ये बात, मेरी संध्या के जीवन में एक और भयंकर विषाद हुआ है। ईश्वर ने मेरी संध्या को गिनी चुनी सांसें दी हैं, वो कभी भी उसे अपने पास बुला सकता है। मेरे दोस्त, ये तो क्या बोल रहा है? भगवान ने बड़ा अन्याय करके उसे हेमंजुमा ऑफ ब्रेन जैसी खतरनाक बीमारी दे दी। किसी भी भयानक हादसे को देखकर वो तड़प उठती है। बहुत से डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इस बीमारी में कितने दिनों तक वो जिंदा रहेगी कोई डॉक्टर नहीं कह सका। बची खुशी जिंदगी वो हंसी खुशी से गुजार ले, इसीलिए मैंने उसे किसी काम से रोका नहीं, किसी हरकत से टोका नहीं। संध्या किसी भी समय भगवान को प्यारी हो सकती है, लेकिन यह कड़वा सच संध्या को नहीं मालूम। आज तक ये राज मैंने दिल में छुपा रखा है। अरे धर्मराज, एक जीवन में 2 जन्म लेने वाले रामू का अब क्या करें? 2 दिलों में रहने वाले लड़के का किस ओर जाना न्याय संगत होगा? ये मनुष्य के बस की बात नहीं है दोस्त। ब्याह किसके भाग्य में है, रोना किसके भाग्य में है, ये फैसला भगवान ही करेगा। Oh!
रामू, कुछ प्रश्नों का उत्तर, कुछ समस्याओं का समाधान वक्त या भगवान के हाथ में है। मुझे जो फैसला करना था वो आज ईश्वर ने बच्चों के द्वारा हमें सुना दिया। राजू, आई एम सॉरी। रामू, तेरे जीवन में पहले उदय हुई उषा, तभी इसी को तुझे पत्नी बनाना है। संध्या शाम के वक्त थोड़ी देर आती है और चली जाती है, इसलिए ये फैसला हमें बच्चों को संध्या को सुना दिया ईश्वर ने। चुप, तुम अपने फ्रेंड को किस रूप में देखोगे? दूल्हा बना हुआ उसे देखना है, दूल्हे वाले जोड़े में उसे देखना है, इन दोनों को माला बदलते हुए देखेंगे हम लोग। हाँ, दूल्हे के रूप में देखना है। हाँ, दूल्हे के रूप में देखना है। हाँ, दूल्हे के रूप में देखना है। अंकल, उषा आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहन भी है, मेरी एस्टेट भी उसकी है। नवदंपति को वहाँ आना पड़ेगा। जरूर आएगी बेटी, मैं इन्हें भेजूंगा। मैं फौरन वहाँ जाके इनके वेलकम की तैयारी करता हूँ। क्यों बच्चों? कराओ, कराओ। तुम हम लोगों को आके कहानी सुनाओगे? अच्छा, मैं जरूर आऊंगा, तुमको नई नई कहानी सुनाऊंगा। तब तो तुम्हारे और आंटी के बहुत से बच्चों को कहानी सुनाएंगे हम। क्यों भिड़ू, कहानी खत्म नहीं होगी क्या? फिर से बच्चे मेरे खाने में चिपकली डालेंगे, जिसे मैं कर चबाऊंगा, मेरे पीछे कुत्ता भी छोड़ेंगे। मेरे मितवा, मन मेरा तन मन